आपने पिछले ब्लॉग में देखा शेट्टीहाली चर्च और वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है हेमावती डैम। तो अभी मैं हेमावती डैम को देखने के लिए जा रहा हूँ। वो गेट से आया, कार लेके नहीं जा सकते, 1 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे है मैं पहुँच गया अभी वो बांध के पास, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। अभी मैं डैम के एकदम पास पहुँच गया हूँ। ये रहा डैम और शायद आपको आवाज़ भी आ रहा होगा पानी का, उधर है। चलिए चलते हैं वहाँ पे भी। तो मैं एकदम पहुँच गया डैम के पास, लेकिन पानी थोड़ा कम है आज, ज़्यादा नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन समर टाइम में जब पानी छोड़ते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा होता है। वो जो आप देख रहे हैं इसके पीछे पानी है बहुत, इसके पीछे पूरा फुल पानी है। जो थोड़ा देर पहले शेट्टीहाली चर्च दिखाया था ना, वो वाला पानी। और ये देखिए, तो मैं एकदम पहुंच गया एकदम पास, इससे भी पास नहीं जा सकते। लेकिन ऊपर से अच्छा लगता देख के, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से इतना ही दिखेगा। ये रहा डैम का वॉल, थोड़ा भीगा हुआ है अभी। तो वापस अभी 1 किलोमीटर पैदल जाना है। वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है स्टेप से, लेकिन अभी बंद है। आपको पास से दिखाता हूँ। वो देखिए, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है स्टेप से, लेकिन मेरा लक आज उतना अच्छा नहीं था, नहीं तो मैं ऊपर जाता, ऊपर से आपको दिखाता, बहुत बढ़िया नज़ारा आता है वहाँ से। तो डैम हो गया, देख लिया डैम। तो अभी फिर से पैदल, एक्सरसाइज भी हो रहा है, तो चलते हैं। देखिए कितना ड्रैगन फ्लाइज, बचपन में मुझे ड्रैगन फ्लाइज बहुत अच्छे लगते थे, आज बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है, बहुत सारे हैं, एकदम हेलीकॉप्टर जैसा। ज़रा देखिए तो मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, कितना अच्छा जगह है, डैम के पास ही है। देखिए कितना अच्छा है, बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा शांत सुकून जगह में जाने को मिला है। देखिए कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, हवा चल रहा है और मेरे पास फाड़ी विंडशील भी है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं तो हमेशा क्या होता है, एक रूम के अंदर मैं रिसर्च करता हूँ और रहस्यमय वीडियोस बनाता हूँ, और आप लोगों ने बोला जाइए आप हसन में जाइए वीडियो बनाइए, तो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी आना चाहिए ऐसे शांत जगहों में। थोड़ा देखिए तो ऐसा स्टॉक फुटेज में ही देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लाइव मिल गया। बहुत थकान हो गया, तो इसमें बैठा जाए तो बैठे कैसे, इसको बैठने के लिए ऐसे बैठना पड़ेगा। ये देखिए नदी जैसा, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। छोटा सा वाटरफॉल भी है, देखिए बो रहा वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल। तो हेमावती रिजर्वर और डैम देख लिया मैंने, तो अभी मिलते हैं होटल रूम पे।
नाउ आई एम बैक टू द रूम। आप लोगों से मैंने पूछा था कि क्या मैं हसन जाऊं वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सभी ने बोला जाइए जाइए, तो मैं हसन आ गया और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइज, ये सब हुआ है आप लोगों की वजह से। और यहाँ आके मुझे कुत्ते पसंद आने लगे। एक्चुअली मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब मैं वो छत्तीहाली सर्च गया था, आपने देखा था तीन कुत्ते मेरे पीछे आगे पीछे आए थे, बहुत फ्रेंडली कुत्ते थे, और पता नहीं अचानक मुझे कुत्ते अच्छे लगने लगे। तो मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में कभी मैं कुत्ता पालूंगा और उन कुत्तों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा जब भी मैं कहीं जाऊंगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन बहुत पसीना भी पड़ा, मतलब बेंगलोर की तुलना में बहुत गर्म था आज, लेकिन अभी नहा लिया, अच्छा लग रहा है। तो अभी जो भी रिकॉर्डिंग किया मैंने अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, तो अभी डिनर करके आराम से सोना है, क्योंकि कल मुझे सुबह को मंजराबाद फोर्ट जाना है और उसके बाद उडुपी जाना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।